एक्सीडेंट हो गया तो। ओ भाई हेल्पर ने तो ठोक दिए स्विफ्ट वाले के। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर रवि और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज फिर से मैं करण के साथ हूँ। हेलो। वैसे आज लौंडा बड़ा सूट वूट मतलब अच्छे से वेल ड्रेस होकर जा रहा है। कुछ ना कुछ तो बात है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे बात यह है कि अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ करण की बहन और मेरी भांजी मतलब मैं इसका करण का लगता हूँ मामू। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम मतलब मेरी भांजी वो अभी हैदराबाद में है तो वो आज वो आ रहे हैं तो उनको भी पिक करने अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। और कुछ प्लान है आज का हमारा? चंडीगढ़ घूमने का था प्लान या है अब देखते जाके नीचे। चलो अगर इनकेस टाइम रहा तो हम चंडीगढ़ भी एक्सप्लोर कर लेंगे। तो अभी हम निकल गए अपने जर्नी के लिए अपने सफ़र के लिए। चलिए तो आपको आज अपने साथ चंडीगढ़ ले चलते। बस ये कंटिन्यूसली तीसरा ब्लॉग मैं चंडीगढ़ के ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि पिछले जो लास्ट वीक के मेरे चंडीगढ़ के ट्रिप भी कुछ ज़्यादा लग रहे। चलो क्या करें, ऐसे ही है अभी जो भी चल रहा है। चलो चलिए शुरू करते हैं। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing all right. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league, and your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. ओके तो अभी अपने साथ ऐसा सीन हुआ कि अभी हम जैसे टोल प्लाजा में थे तो वहाँ पे फास्टैग है अपने पास गाड़ी में यार। तो फास्टैग में बैलेंस भी था, उसने बैलेंस उठाया नहीं, फिर बोलते लो बैलेंस उठाए नहीं क्या। तो फास्टैग वाले भी क्या तो बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्विस बेकार है। और हिमाचल में तो जरूरत ही नहीं, मतलब सोलन में तो जरूरत ही नहीं है इस चीज़ की कि यहाँ बनाया क्यों है फालतू का। जो परमाणु में कटता है तो इधर धर्मपुर में क्यों बनाया लोगों ने, मतलब हर को दिन में 10 बारी परमाणु जाना पड़ेगा तो फिर तो कटेगा 2 बारी, मतलब ऐसा है कि जितनी बार जाओगे तुम्हारी कटेगा। मैं गया हूँ, मेरे साथ हुआ आज से, एक दिन में 3 बार गया हूँ, तीनों बारी मेरा कटा है। गजब बेइज्जती है। पूरे चार्जेस आते हुए थोड़ा 10 रुपये कम लेते हैं, जाते हुए ज़्यादा लेते, 35-55 रुपये कटता है वही सर्विस इनकी, 35-55 रुपये डेली के 85 रुपीज़। अभी मैंने दुगनी रकम दी है फास्टैग में, करते हैं 55 से 60 रुपये, अभी 130 रुपये। और इसने पर्ची में कितना बिल लिखा है चेक नहीं किया, 130 का ही लिखा है, 65+65 रेट भी बढ़ गए इनके। अब देखो, अब जब आपके पास ज़्यादा फ़ोन हो ज़्यादा इक्विपमेंट हो तो आप ऐसा कर सकते हो। आप देख सकते हो एक में लगा टाइम लैप्स और हम एक फ़ोन में कर रहे हैं शूट अपना, और एक तो दूसरा गाने लगाए हुए और एक फ़ोन यहाँ जिसमें हम सॉन्ग चले हुए। मल्टीपल रिसोर्सेस मल्टीपल फायदे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो ओके एवरीवन, अभी हो गया एक बड़ा अच्छा चलान। कितने का करन चला? 1500 का चलान। और चलान किस लिए हुआ? क्योंकि उसके पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। इसने अभी गाड़ी ली है तो अभी NOC के नाम पे नहीं कटी है, तो RTO ऑफिस भी गया था, ये DC ऑफिस भी गया था। तो वहाँ पे उनका कहना ये था कि फ़िलहाल अभी आप NOC अपने नाम पे करवा लो, तो उसके बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अप्लाई करना है तभी फ़ायदा है, नहीं तो डबल खर्चा है ना, वेस्टेज टाइम का भी और पैसे का भी। बट हमारे पुलिस हमारा समझे नहीं होता है सीधा बोला, हाँ जी सर ना आपकी नंबर प्लेट फैंसी है चलान कटेगा और चलाना निपटाना, और 1500 कट गया। 5000 तक का चलान है, 1500 से लेके 5000 तक का चलान है भाई, महंगी बातचीत है। तो हिमाचल से जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है ना, मतलब हिमाचल में मैक्सिमम को पता होगा बट जिनको नहीं पता, तो आप जब भी हिमाचल से नीचे आओ ना अपने पंजाब वाले एरिया में, तो गाड़ी के अंदर जो भी कस्टमाइजेशन मॉडिफिकेशन जो भी करनी है कर लेना, बट नंबर प्लेट में कोई मॉडिफिकेशन मत करना, वो हाई सिक्योरिटी रखना।
जिस वक्त चलाना होता उस टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि अब अपने पास फोन है ना, बल्कि सा फोन नहीं रखा, ऊपर से पुलिस वाले बंद करवा देते, पुलिस वाले फिर कैमरा बंद करवा देते, तो मैंने शूट नहीं किया, आप समझ सकते हो। हाँ, जब जिस दिन मैं अपना GoPro ले लूँगा तो उस दिन छोटा सा होगा ना हाथ में, तो मैं ऐसी चीज़ें अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी तो हम देखो एयरपोर्ट वाले रोड पे पहुँच गए हैं, तो रोड देखो कितने सुंदर रोड है। ओहो है। यहाँ पे तो गाड़ी भगाने का जो मजा आएगा ना, हाँ भाई एक नंबर। वैसे भगाई अभी हमने कितनी, लास्ट की हमारी 130। Took you out and showed you the city. How would you let somebody so pretty? It's what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance. Yeah, face value had you out of class. Yeah. Chiku. हाँ, बस नमस्ते, हेलो जूनियर। ये आज के हमारे होस्ट और गेस्ट जिनको हम स्पेशल इतने दूर से लेने आए थे। भाई हमने अभी आते ही कर दिया एयरपोर्ट में एक सीन, क्या कि हमने कर दिया ट्रैफिक जाम और हाँ चलो देखते ये डालूंगा ट्रैफिक जाम कर दिया। अंकल जी आके बोलते हैं यार कि तुमने ट्रैफिक जाम कर दिया, सीटी मार रहा हूँ कब से, बोलो यार तुम निकालो, बोलो गाड़ी यार पीछे बस खड़ी है, गाड़ी खड़ी है यार, गाड़ी दो मिनट फ्रंट रुको, पहुँच गए बाबू, पता नहीं चला, एक्साइटमेंट इतनी है ना कि बस। आज के हमारे गेस्ट होस्ट उनसे पूछते हैं क्या कैसा रहा इनका, हो कौन से फ्लाइट में आए तन्नू? हम आए इंडिगो में। इंडिगो, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वेरी बैड, विंडो सीट नहीं मिली। हाँ तब तो तब बुरा हो सकता अगर विंडो सीट ना मिली। सच में पहले ना हम मजे से विंडो सीट में बैठे हुए थे, फिर आया एक पैसे कहाँ देने? वैसे एयरपोर्ट में 10 मिनट की पार्किंग फ्री है, तो आप आओ 10 मिनट के अंदर अपना काम करो, पार्किंग फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, उससे ज्यादा कर वो एक्सीडेंट हो गया है। ओ भाई हेल्पर ने तो ठोक दिए स्विफ्ट वाले के, बस देख के तो स्विफ्ट वाले की गलती है। A few moments later. हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो अभी हम हैं दतियार, दतियार में जहाँ पार्क है वे के साथ, आई लव हिमाचल दिख रहा होगा आपको मेरे पीछे, आई लव हिमाचल, यस वी ऑल लव हिमाचल। तो अभी हम वापसी आ रहे थे, थोड़ा रेस्ट कर, थोड़ा थक गए थे गाड़ी में बैठ के, तो सोचा यहाँ रुकते हैं दतियार में, आई लव हिमाचल मतलब अपना एक्सप्लोर करते हैं। और ये हमारे छोटे मियाँ, अरे छोटे मियाँ इधर तो आओ, डू यू लव हिमाचल? यस। हिमाचल या हैदराबाद? हाँ जी हिमाचल। छोटू अपने छोटे जूनियर को भी हिमाचल पसंद है, आप लोगों को भी हिमाचल पसंद होगा। A few moments later. Okay everyone, तो भी हम रुके सलवारा में। गजब बेइज्जती है। तो अभी फिलहाल हमको लगी है भूख, तो हम रुके सलवारा में खाना खाने, और ये हमने ऑर्डर किया है थाली, 10 थाली। चलिए खाते हैं और फिर निकलते घर को, आपको मिलते हैं फिर आगे रास्ते में। One eternity later. नीचे वाला सिरप ले लेंगे,
ले लो एक चम्मच पिला देना रात को सोने के बाद, सोने लगे तब पिला देना। गुड इवनिंग, आपके तो मजे होंगे आप आगे। ओके एवरीवन, तो अभी मैं आया हूँ सोलन के सरकारी हॉस्पिटल। तो सीन ऐसा हुआ कि साथ मेरे जीजाजी हैं, इनको स्ट्रीट डॉग ने काट दिया। ये गए थे मार्केट, मार्केट में सामान ले रहे थे, तो पीछे से मतलब एक कुत्ती थी उसने मार दिया इनको। तो इनके टांग में, जांग में मारा दांत। इंजेक्शन के लिए आए थे बट अभी इंजेक्शन लगा नहीं, कहा कि सुबह लगेंगे। अब क्या तो सिस्टम है, इनका मरीज अभी आ रहा है और ये सुबह के लिए बुला रहे। चलिए, अगर आपको ये मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो फॉरवर्ड से भी रीज़न ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, स्ट्रीट डॉग से सावधान रहें, किसी को भी कहीं भी काट सकते हैं, खास करके जब उसने बच्चे दियो। और बेल आइकन का घंटा जरूर बजाएं, ऑल पे कर दे। ठीक है, ओके, फिर बाय।